अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं एक बार फिर नजमिन सलाम से आज जिस गन का या वेपन का मैं रिव्यू लेके आया हूँ, जो शॉर्ट इंट्रो लेके आया हूँ, वो है ब्लास्ट फ्रॉम द ब्लैक पास्ट, जिसे मैं कहूँगा वो है आकार की कराटे टैक्टिक। ये बेसिकली एक 12 गेज शॉटगन है, ठीक है, पंप एक्शन जिसे कहेंगे। इंस्पिरेशन इसकी जो आ रही है वो आ रही है लुइजी फ्रेंची से। स्पार्स जो होती थी, अगर बहुत से लोगों को जिनको मालूम हो, इटालियन राइफल थी, एक शॉटगन आई मीन थी इसी टाइप की, जिसके ऊपर से फोल्डिंग तो नहीं कहेंगे इसको, ओवरहेड बट आता था, स्टॉक आता था जो आप जिसका इसके सामने मौजूद है। राइफल की अगर शॉटगन की अगर बात करें बेसिकली, तो ये इसके जो इसकी जो लेंथ है वो है 99.30 सेंटीमीटर्स। जब स्टॉक अगर खुला हुआ हो, स्टॉक बंद के साथ जो स्टॉक का है वो स्टॉक बंद हो, तो फिर ये 74 सेंटीमीटर इसका साइज है। मैगजीन कैपेसिटी या इसकी जो ट्यूब मैगजीन होता है, ट्यूब के अंदर जो कैपेसिटी है वो 6+1 राउंड्स की है। बहुत ही बेहतरीन अपने ज़माने की शॉट गन है। ये पहले पहले आया करती थी, ठीक है, 2000 हमने भी 2008 की इम्पोर्ट में ये मंगाई थी, और उस वक्त से हमारे पास जो काफ़ी सारी मंगाई थी, और इस वक्त हमारे पास तकरीबन 4-5 पीस पड़े हुए हैं। बहुत अच्छी शॉट गन है। और मैं ये भी बता दूँ आपको कि जो आजकल टर्की की शॉट गन्स आ रही हैं, उनके अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो मुझे ये उनसे ज़्यादा रिलायबल लगती है। अभी भी हमने जितने पीस बेचे हैं, इसके अंदर कभी किसी किस्म की कोई हमें आज तक कोई फॉल्ट नहीं आया। मास वायर को चंद में कोई बहुत कोई शुरू में आए थे, किसी को लोगों ने कंप्लेंट्स की थी, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई नहीं आया। हमारे पास ये अवेलेबल है, ठीक है, थोड़ा कॉस्मेटिक्स इनके आउट हुए हैं, लेकिन गन परफेक्ट शेप में है। और हम इसकी जो हमारी जो आस्किंग प्राइस है वो है 55,000 रुपये जी, और या 55,000 रुपये। तो इंशाल्लाह आप हमारी शॉप पे आएँ एनी टाइम। आकार की कराटे टैक्टिक हमारे पास अवेलेबल है, आस्किंग प्राइस इसकी 55,000 रुपये है, बेहतरीन कंडीशन में, ज़बरदस्त। ये देखें आप, ठीक है, फोल्डिंग स्टॉक भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देखें, ओवरहेड फुल स्टॉक होता है इसके साथ, ये देखें, अब ये फुल साइज़ हो गई, ये इस तरह होती है, ठीक है। नीचे से इसमें यहाँ से इसके अंदर कारतूस जाते हैं, इसमें आप बक शॉट चलाएं, स्लग्स चलाएं, हर किस्म का कारतूस हमने इसमें ट्राई किया है, एसजी के कारतूस, हर चीज़ ट्राई की है इसमें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। वाइक मैं जैसे कहता हूँ 10 out of 10, घर के लिए अगर एक डिफेंडर राइफल शॉट गन आपको रखनी है तो ये ज़रूर बहुत अच्छी डिफेंडर है घर के लिए, ठीक है, आप इसे शिकार भी कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ गन शॉट गन है, मल्टीपर्पज़ वेपन है ये। मैं खैर इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ शॉट गन्स का, लेकिन बहरहाल हमारे पास अवेलेबल है। और इसके अलावा जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है वो है वेंचेस्टर की डिफेंडर, ये देखिए, ये है वेंचेस्टर की डिफेंडर, ये भी हमारे पास अवेलेबल है, ये देखें, ये स्लाइटली यूज है लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन में है, बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखें, ये एक्चुअली इम्पोर्टर की अपनी असनान की अपनी राइफल थी इम्पोर्टर की, और उसने शॉट गन लाइफिंग थी, और उसने इसको कतई तौर पर बिल्कुल यूज़ नहीं किया, बस इसके पड़े पड़े थोड़े कॉस्मेटिक्स उड़ गए। इस तरह की हमारे पास 2-3 राइफल शॉट गन्स मौजूद हैं, आस्किंग प्राइस इनकी भी 55,000 रुपये है। ये हमारी शॉप पर अवेलेबल है, एनी टाइम आप आए, ज़बरदस्त 5+1 राउंड्स इनके टनल ट्यूब मैगजीन्स में आती है, ठीक है, हाँ से इसमें कारतूस जाते हैं, जैसे शॉट गन के जो कार्ट्रिजेस वगैरह होते हैं, दोनों ही हमारे पास शॉट गन्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी शॉट गन्स टर्की जो नई आई हुई हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी हैं जो कुछ बजट पे इकोनॉमिकल साइड पे जो आते हैं, और जो अच्छी मैं जैसे कहूँगा कि रिलायबल शॉट गन्स में से हैं। मैं तो मैं शॉट गन्स का फ़ैन नहीं हूँ, तो आई हैव नो आइडिया मच अबाउट दैम, लेकिन अब तक जो मैंने इनके बारे में सुना है कि दीज आर द मोस्ट रिलायबल डिफेंडर गन्स फॉर होम डिफेंस। और वैसे भी कहीं आप कहीं जा रहे हैं वगैरह, कहीं जंगल वगैरह में कहीं शिकार के लिए, तो आई थिंक देर वन ऑफ द गुड चॉइसिस, वन ऑफ द गुड इकोनॉमिकल बजट चॉइसिस। तो आप हमारी शॉप एनी टाइम आए, वहाँ पर आपको अगेन अरसलान शाह, अरसलान इम्पोर्टर, एनी टाइम अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह नाज़िर होते हैं फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।